थोड़ा जहा ना इतों तुर के इधर आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, इतना बुला लो वेखो जी, मैं हैरान हो गया कि इन्हां डॉक्टरां की तनखाह 70-80 लाख तो वध भी हो सकती है, पर असी खुद 70-80 हज़ार रुपया तनखाह हो सकती इन्हां सरकारी डॉक्टरां की, लख भी हो सकती है, पर जिहड़ी बाहरों मैडिकल स्टोर तो दवाई मंगाई जाती है वह दोबारा भावें किसी के घर बच्चे ने जन्म लेना वा, अंदरों सहूलतां तो है ही है, पर जिहड़ी एक ना दवाई मरीज दरदा लैके आउंदा फिर वह दोबारा मैडिकल स्टोर पर जाती है, वो जी बिल्कुल सरकार नूं हुण बंद करनी चाहिए आ, क्योंकि नवा एक मुख्यमंत्री का चेहरा कहिंदे लिआंदा गया वा, वेंदे आ कि 3-4 महीनों में की करता वा, जिहदे करके असीं मंग पत्र दित्ता जी। जिहड़े अंदर दा स्टोर है दवाइयां दा, उत्थे दवाइयां मिलदियां है, ठीक है जी, उत्थों महंगीआं दवाइयां मिलदियां, बाहर जाइए ते सस्तीआं मिलदियां, किद्दां वेचदे जी तुसीं? वेखो जी, अंदर वाली ते गल खत्म हो गई जी, बाहर ही इन्हां दा कमीशन वा मैडिकल स्टोरां दे, जेकर सरकार वल्लों जिन्नी दवाई हस्पतालां 'च आउंदी आ जे ये सही दी जाए तो बाहरले मैडिकल स्टोर बंद हो सकते हैं, पर अंदर दवाई आ रही है सरकार वालों, तो वे वे जे MLA MP आ वो रल के जड़े आ खवा के, मैं तो यह लाया कि इन्हों की जी सरकारी दवाई है वो लखां करोड़ रुपया की एक हस्पताल पहुँचती है, एक एक हस्पताल लखां करोड़ रुपये की दवाई, पर वो मैं सोचता वा विचारदा वा सच्ची गल हो सकती मेरी कि वो दा स्टिकर ला के वो पैकिंग दे विचों ढा के दूजे प्राइवेट लोग दवाइयां तैयार करते हैं उन्होंने वेची जाती है, वह साल्ट फिर दूजिया पैकिंगा च वधिया ला के स्टिकर दे मैडिकल स्टोरां ते आ जाती है, तो असीं चाहते हैं कि एडी लोटवा बिल्कुल बंद होनी चाहिए आ, जेकर सरकार ने ना बंद की तो असीं फिर इन्हां दे दफ्तर अगे जरूर पवांगे, पब्लिक वास्ते पब्लिक वास्ते नाल हां, गरीबों वास्ते नाल हां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। हाँ, मंग पत्र में जिक्र किया कि कुछ जिहड़े हैगे टेस्ट प्राइवेट हस्पतालों जिहड़े लैब चों सरकारी हस्पतालों करवाउण बारे, तो उहदे विच असी ऑलरेडी एक मीटिंग अज 4 बजे सारे SMO दे प्रोग्राम अफसरां दी रखी हुई है अज दफ्तर विच, तो ये जिहड़ी मंग हैगी ये अज असी बड़े गंभीर जिहड़ी हैगी आ मसला हैगा, तो इहदा पूरा विचार किया जाएगा, तो ऑलरेडी जिहड़ी हैगी जिथे ते साडी लैबोरेटरी आ उत्थे साडे लैबोरेटरी वाले टैक्नीशियन फुल फ्लैज लैब बनिया हुई हैं, पर फिर भी मतलब कि सख्त हदायतां जारी कीतियां ने, कोई डॉक्टर जो बाहर का टैसट अननेसैसरी ना लिखे, जे कोई बिल्कुल लड़ींदा है तो वह रीज़न होना चाहिए कि क्यों चाहिए हैगा, तो अननेसैसरी टैसट जिहड़ा हैगा वो यकीनी बनाया जाएगा कि किसी मरीज नूं कोई मुश्किल पेश ना आवे, ताकि सारे टैसट जिहड़े हैगे वो हस्पताल अंदर जिहड़ी लैबोरेटरी बनी है उत्थे होण, वह ऑलरेडी सरकार दी हदायतां हैगियां कि जिहड़े असीं 50 तों वध टैसट फ्री टैसट सिविल हस्पतालों पहले जिहड़ी सुविधा दित्ती जा रही है, पर उस तों इलावा जे किसी डॉक्टर नूं लोड़ है किसी टैसट करवाउण दी उहदे विचों पूरी तरह जस्टिफाई करेगा कि जे वाकई लोड़ हैगी, पर अज इस संबंध जिहड़ी मीटिंग करके ये मसला जिहड़ा समस्या का हल किया जाएगा। नहीं, असी देखो मैं जिथे कि असी कोशिश है साड़ी कि पहला ही दसा कि फ्री टैसट जी असी 50 तो वध कर रहे सिविल हस्पतालों उन्होंने साड़ी कोशिश पूरी रहेगी कि उस तो अलावा किसी को कोई टैसट लिखने की जरूरत ना पवे, उस अज जी डिटेल में मीटिंग SMO के नाल की जाएगी, उस तो लोड़ पैन तो है बाकी जे प्राइवेट लैब में जो लोड़ पेगी वो मीटिंग भी की जाएगी, ता कि मरीजों वो जो जायज़ है उन्होंने तो जो पैसे ले जा नहीं वो बारे जी है सरकार वालों एस एच जी हदायत जो कुछ पहला जारी की गई जी कंप्लायंस हैगी करवाई जाएगी।